नादिन आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन एहलकारों और यंग डॉक्टर्स में झगड़े के बाद यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बंद कर दी। पंजाब भर में आज आउटडोर बंद रखने का ऐलान कर दिया। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में एंटी करप्शन एहलकारों की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर आतिफ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। यंग डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया कि एंटी करप्शन के एहलकारों के पास ना वारंट थे और ना ही कोई सरकारी शिनाख्त। उन्होंने डॉक्टर को तशद्दुद के बाद जबरदस्ती साथ ले जाने की भी कोशिश की। नाज़रीन आपको बताते चलें, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में एंटी करप्शन एहलकारों और यंग डॉक्टर्स में झगड़े के बाद यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बंद कर दी। पंजाब भर में आज आउटडोर बंद रखने का ऐलान भी कर दिया।